नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल देश में स्वच्छता अभियान के सफल संचालन के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रतिष्ठित ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड मिला। फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वह यह सम्मान उन भारतीयों को समर्पित करते हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदला और स्वच्छता को अपनी दैनिक जिंदगी में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी शुरू की। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कल दो भारतीयों को सम्मानित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड दिया गया, जबकि इनके साथ राजस्थान में बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पायल जांगीर को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चेंज मेकर अवार्ड मिलने के बाद पायल जांगीर ने कहा कि वे बेहद खुश हैं कि पीएम के साथ उन्हें भी यह सम्मान मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फादर ऑफ इंडिया कह दिया। ट्रंप के इस बयान पर विवाद बढ़ गया और कांग्रेस नेता ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रयाग खड़गे ने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि तो क्या आप अमेरिकी तय करेंगे कि राष्ट्रपिता कौन है? अगर देखें तो इन फासीवादी लोगों ने हमारे लोगों को बौद्धिक रूप से तर्क देकर लूटा है। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा ने मिलकर आने वाली पीढ़ियों को भी बिगाड़ दिया है। कल पाकिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पीओके में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा की वजह से अब पाकिस्तान और पीओके में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के गृह विभाग ने की है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 आज हादसे का शिकार हो गया। हालांकि ग्वालियर में हुए इस हादसे में MiG-21 में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। वायुसेना ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। ग्वालियर के SP ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि घटना भिंड ग्वालियर बॉर्डर पर हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए बिजली के प्रीपेड मीटर का ऐलान कर दिया है। जी हां, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में किराएदारों को सस्ती बिजली का फायदा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक मीटर से पूरे मकान की बिजली मिलती है, जिससे मकान मालिक ज्यादा बिल भी वसूलते हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किराएदार बिजली मीटर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हम 3 नंबर जारी कर रहे हैं, जिससे प्रीपेड मीटर की होम डिलीवरी होगी। इस नंबर पर कॉल कर मीटर ऑर्डर करें। प्रीपेड मीटर किराएदारों के लिए यहां लगाए जाएंगे। यह सिर्फ डोमेस्टिक में ही लागू होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की को रंगदारी के मामले में स्थानीय कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले SIT टीम ने आज सुबह लड़की को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि लड़की पर चिन्मयानंद से उगाही करने का आरोप है। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद लड़की और उसके 3 साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सियाचिन में 40 साल से लगातार इकट्ठे हो रहे कचरे को इंडियन आर्मी साफ कर रही है। अब तक 130 टन से ज्यादा कचरा डिस्पोज कर दिया गया है। सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहां तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है, वहां डिग्रेडेबल कचरा भी डिस्पोज नहीं हो पाता। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश जम्मू से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का बदला लेना चाहते हैं। इस बात की जानकारी जैश ए मोहम्मद शमशेर वानी ने दी है। बालाकोट में फिर से आतंकियों के सक्रिय होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फिक्र ना करें, हमारी सेना तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जवान तैयार हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, चाहे वे सेना हो या वायुसेना या नौसेना।
तेलुगु कॉमेडियन वेणु माधव का आज 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। हैदराबाद के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्हें लिवर और किडनी से संबंधित बीमारी थी। हालत ज्यादा खराब होने के कारण मंगलवार को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तेलुगु दशम पार्टी के चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है। जी हां, इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आएंगे। इस पोस्टर को अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, मिलिए 1419 के राजकुमार बाला और 2019 के लंदन रिटर्न हैरी से। कंफ्यूजन और मैडनेस का धमाका फिल्म हाउसफुल का ट्रेलर 27 सितम्बर को रिलीज होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।